नाज़रीन हमारे साथ हैं शवाना बशीर और उनसे गुफ्तगू जारी है। वापस चलते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानते हैं। तो अब हम चलते हैं कि त्यौहार, आप त्यौहार कैसे गुजारती हैं? ईद के मौके पर ख़ास तौर पे कुछ खुद घर में बनाती हैं खाने का, या फिर गाइड करती हैं अपने शेफ को? मतलब क्या आप खुद से भी कुछ बनाती हैं या नहीं? हाँ ज़रूर, मेरा ताल्लुक है कश्मीरी घराने से और आपको पता है कि कश्मीरी घराने में खाने पीने की कितना इहतमाम किया जाता है। तो ईद वाले दिन तो आपको पता है ट्रेडिशनल जैसे होता है, सेवइयां बनाई जाती हैं, सारे नमाज पढ़े बच्चे चले जाते हैं, तो उसके बाद जो ईद का एक इहतमाम होते हैं। लेकिन ये है कि मेरी स्पेशलिटी मेरे ना चिकन कबाब है, जो कि मैं ज़रूर बनाती हूँ हर मौके पर, अभी आपको भी खिलाऊंगी। चलें ज़रूर। आर्मी पर्सन से शादी आपकी अपनी ख्वाहिश थी, वालिदा के सामने आपने ख़ुद ख्वाहिश रखी थी कि मुझे ऐसे मुझे ये क्वालिटीज़ चाहिए जिससे मैंने शादी करनी है, या फिर आपने या आपके पेरेंट्स ने खुद से पसंद किया था? एक प्रॉपर अरेंज मैरिज थी या किसी हद तक आपकी भी इन्वॉल्वमेंट थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। वालदैन ने भी प्रपोज किया खुद, लेकिन मेरे वालदैन ने मुझसे बाकायदा पूछा कि आपको ये चीज़ है, इस तरह ये आपको पसंद है, आप मतलब कि आप मतलब मेरी रजामंदी उन्होंने ली, तो फिर मैंने भी उसमें अप्रूवल अपनी दी और अपनी पसंद जाहिर की कि हाँ बिल्कुल मुझे पसंद है। और इस तरह हमारी मिली जुली मतलब माँ बाप की और अपनी पसंद से। तो मैं ये समझती हूँ कि मैंने जो प्रैक्टिकल एक लाइफ गुजारी है, मैं ये समझती हूँ हर इंसान में ना कुछ खूबियाँ और खामियाँ होती हैं, और ये रिलेशन जो है ना, ये हमने खूबियों के साथ और खामियों के साथ इसको निभाना होता है जी। ये कभी नहीं होता कि आप जैसे सोच रहे हो आपको बिल्कुल वैसा ही कोई इंसान मिले, और ये किसी को सोचना भी नहीं चाहिए। मैं आजकल की बच्चियों को भी ये कहूँगी कि ये नहीं होता कि कोई आपकी मर्जी के बिल्कुल ऐन मुताबिक हो, हर चीज़ आपको एक ऑड शेप में मिलती है, आपने उसको तराशना है, आपने उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना है उसको, और खुद दोनों को मिलजुल कर उस ज़िंदगी को हसीन बनाना है। वैसे कहते हैं कि आर्मी वाले रूल्स के बहुत पाबंद होते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठना और डिफरेंट रूल्स वो बहुत फॉलो करते हैं, तो आपके लिए इजी रहा उनके साथ ज़िंदगी गुजारना, या फिर आपको मुश्किल लगा किसी बात पे कोई बहस हो गई हो, या आपने उनके रूल्स को खुद अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया? ये तो मैंने आपको कहा ना कि कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, कुछ अपनानी पड़ती हैं, कुछ उनको भी बतानी पड़ती हैं, मतलब कि दोनों को एक दूसरे के साथ ना कंप्रोमाइज़ करना होता है। कुछ वो मेरी मानते हैं, कुछ मैं उनकी मानती हूँ, लेकिन ये नहीं होता कि अगर आप एक वन साइडेड जो है वो कहीं नहीं। आखिरी लड़ाई किस बात पे हुई थी? मेरी और उनकी लड़ाई ना टाइम पर होती है, मैं जरा टाइम से लेट हो जाती हूँ और वो टाइम के पॉइंट आ गया जो मैं जानना चाह रही थी। वो अक्सर ये होता है कि शादियों में भी ना वो कहती है अगर 7:30 लिखा है तो 7:30 जाना, होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहती हूँ कि वहाँ तो अभी खाली हॉल होगा, हम क्या करेंगे जाके। वो उनका कहना है कि बेशक सारी दुनिया लेट हो जाए लेकिन मैं लेट नहीं हो सकता, वो पंक्चुअलिटी को बहुत कंसिडर करते हैं, बहुत ज़्यादा सबसे पहले पहुँचती होंगी। हाँ बिल्कुल, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है और कि पहले पहुँच जाते हैं। समटाइम्स ये होता है कि मैं अड़ जाती, मैं कहती नहीं मैंने इतनी देर पहले नहीं जाना, तो वो मुझे बाद में छोड़ के भी चले जाते हैं, कहते हैं ठीक है तुम बाद में आ जाओ, मैं तो टाइम पर जा रहा हूँ। कि इस तरह भी होता है कि बहुत टाइम की पाबंदी में। शायरी से कभी कोई लगाव रहा? नहीं, शायरी से मुझे इतना लगाव नहीं है, मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को पसंद करती हूँ, ख्यालों में रहना, तसव्वुर करना, सिर्फ मुझे इलामा इकबाल की शायरी पसंद है।
कोई शेर याद हो तो? उनका एक मैंने नज़म जो थी वो मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में तरन्नुम से पढ़ी थी. उसमें ये था कि मैं उसकी एग्जैक्ट उसमें इलामा इकबाल का ये शायद शेर था, मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला. मोहब्बत से उनकी मुराद इश्क़ हकीकी. जी जी. उनका कहना था इलामा इकबाल का, मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, ये वो मैं है जिसे रखते हैं नाजुक आपके नाम, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खानाए दिल के मकीनों में. महीने वसल के घड़ियों की मानद उठते जाते हैं, महीने वसल के घड़ियों की मानद उठते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों. वाह, ये इनामा इकबाल की एक ऐसी नज़म है जो बहुत कम लोगों ने सुनी ली है, लेकिन ये लेकिन कमाल की तरन्नुम से जब मैंने पढ़ी तो मुझे इस पर फर्स्ट प्राइज मिला. अभी आप कह रही हैं कि इंटरेस्ट नहीं है आपका. मुझे सिर्फ इनामा इकबाल की शायरी पसंद है, उनके बहुत अच्छे शेर हैं जो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए आमादा करते हैं. और पॉलिटिक्स में आना मतलब कोई ख़ास हादसा हुआ या कौन सी ऐसी वजह थी जो आपको पॉलिटिक्स में ले आई? इंटरेस्ट तो था लेकिन कोई एक वजह बनता है, मतलब कोई एक वजह बनती है जो आपको उस फील्ड में ले आता है. पर पॉलिटिक्स ख़ास तौर पे इसके लिए लेडीज़ के लिए मुश्किल होता है इसमें आना, और एक लंबी स्ट्रगल होती है, तो आपकी वो स्ट्रगल के बारे में बताएं जो आपने की. मैंने आपको बताया ना कि शुरू से ही मुझे बहुत शौक था, मतलब सियासी लोगों से मैं जी जी एक आपकी ग्रोथ ही ऐसे घराने में हुई थी. फिर जब मेरी शादी हुई आर्मी ऑफिसर से तो उनमें भी वतन से मोहब्बत का, आर्मी और पॉलिटिक्स का बड़ा पुराना रिश्ता रहा. बहुत उनमें भी अपने वतन से बड़ा उनको लगाव मोहब्बत बहुत ज़्यादा, तो वो फिर एक ऐसा अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया हमारा. और हमने बाकायदा पीटीआई को 99 में ज्वाइन किया, जबकि फाइनेंस में से आप हैं पीटीआई की, पीटीआई की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर्स में से हूँ, जबकि पीटीआई के पास सिर्फ 10-12 लोग होते थे, हम गिनती के 10-12 लोग होते थे, ये नहीं कि 10 से कोई 20 हो जाते हो, अगर आप काउंट करें तो उसमें 10-12 लोग थे. तो तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने इकट्ठे ही ज्वाइन किया और हम दोनों जो थे उसमें ये हिस्सा लेते थे, और हम समझते थे उसी वक्त ही हम महसूस करते थे कि ये वो जमात या ये वो लीडर हो सकता है जो हमारी मुल्क के लिए बहुत अच्छा साबित होगा. तो वो फिर हम दोनों ने इस बात को सोच कर, हम आपस में डिस्कशन भी करते थे, तो हमने इसमें फिर प्रैक्टिकली इसमें हिस्सा लेना शुरू किया. खान साहब की कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको इंस्पायर किया हो जिसकी वजह से आपने पीटीआई को ज्वाइन किया? खान साहब दिल के बहुत सच्चे, बहुत ही सच्चे और दयानतदार इंसान हैं. वो जो कहते हैं वो उसको पूरा करके दिखाते हैं, और हमने देखा है उन्होंने जो भी ज़िंदगी में एक मकसद बनाया, एक कोई किसी भी मकसद पर काम किया या जो भी एक ख्वाब देखा कि मैं इसको पूरा करूँगा, वो अल्लाह ताला की मदद से उन्होंने उसको पूरा करके दिखाया. और अभी भी सारी बहुत लोग शोर मचा रहे हैं, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ वो हो गया मुल्क के लिए ये, लेकिन मैं इतनी पुरुमीद हूँ कि मैं कहती हूँ कि इमरान खान ने ज़िंदगी में जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया, और इंशाल्लाह ताला ये भी पूरा करके दिखाएंगे. वो अपने मुल्क को कर्जों से निकालेंगे, अपने मुल्क को एक बाइज्जत मकाम दुनिया में दिलाएंगे. आप देखें ना किस तरह जब वो बाहर के दौरों पे गए हैं तो किस तरह दुनिया के तमाम जो सरबराह थे उन्होंने कितनी उनकी इज्जत की, कितनी उनकी पज़ीराई हुई, कितनी उनकी बात को इंटरनेशनल लेवल पे सुना गया. हर कोई जो है आप देखें कि हर मुल्क का सरबराह कहता है इमरान खान मेरे दोस्त हैं, ट्रंप जैसा बंदा जो है देखें जो किसी को खातर में नहीं लाता वो कहता है कि इमरान खान मेरे दोस्त हैं.
ملیشیا کے ہوں، وزیر اعظم یا ترکی کے، سعودیہ کے، ہر ملک جو ہے وہ عمران خان کی شخصیت سے متاثر ہے، اور ان کی شخصیت کا سب سے اچھا پہلو ہی ان کی سچائی، ان کی دیانتداری، ان کی ملک سے محبت ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس ملک کو ایک کامیاب اور خوشحال ملک بنانے میں بھی کامیاب کریں گے، بہت امید ہے۔ آپ اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اور ان کو کس کتنا حل کر چکی ہیں اور کتنا کرنا چاہتی ہیں مزید، اور لوگوں کا آپ کو اپروچ کرنا کتنا آسان ہے؟ کیونکہ ایم پی ایس ایم این ایس کے ساتھ عام انسان کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ تب ٹوٹ جاتا ہے جب وہ اقتدار ملتا ہے، تو آپ کے ساتھ کیا وہ کنیکشن ہے عوام کا؟ نہیں بالکل، کیونکہ مجھے تو ویسے بھی، میں نے آپ کو پہلے بتایا، مجھے لوگوں میں رہنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بہت پسند ہے، اور میں تو بھی یہ بڑا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے قابل ہوں، مطلب میرے پاس اتنی ہے اتھارٹی کہ میں کسی کا کوئی کام کر سکتی ہوں، اس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہوں۔ تو ویسے تو کہا جاتا نا کہ بھی ریزرو سیٹ پہ ہوں تو حلقہ، لیکن چونکہ میں نے، میرا یہ حلقہ NA131 میرا حلقہ ہے، میں شروع سے ڈیفینس میں 84 سے میں یہاں پر سیٹل ہوں، تو میں یہاں پر تمام لوگوں کو جانتی ہوں، تمام جتنی بھی یہاں پر بزنس کے لوگ ہیں ان کو جانتی ہوں سب کو، اور جب جب بھی الیکشن ہوئے کمپین کی تو اسی حلقے میں کام کیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہی میرا حلقہ ہے۔ میں نے ابھی یہ اتنی پوش لوکیلٹی کے ساتھ ایک بڑی پسماندہ سی بستی ہے، پسماندہ مینس کے گاؤں ہے، چرن گاؤں شاید، ہاں جی، تو اس گاؤں میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک اسکول بھی گورنمنٹ کا جو ہے وہ 10th جماعت تک نہیں ہے، 8th جماعت تک ہے۔ تو میں نے اس اسکول کی اسکیم جو ہے وہ ڈیولپنگ اسکیم میں ڈالی ہے کہ اسکول کو، بوائز اسکول کو 10th تک کیا جائے۔ دیکھیں نا، 2 جماعتوں کے لیے لوگ کہاں اپنے بچوں کو لیے پھریں گے۔ آپ ولیج کی بات کر رہی ہیں، اس ایریا میں بچوں کے پڑھنے کے لیے گورنمنٹ کالج بھی نہیں ہے، شہر میں بھی نہیں، اس ایریا میں ڈی ایچ اے سے اس طرف آپ چلے جائیں، غازی روڈ ہو گیا، یہ جنگی ہو گئی، مطلب یہ فیروز پور روڈ پہ یہ کافی کالج نہیں ہے یہاں پہ پراپر۔ ہاں، یہ والٹن میں جا کے ایک کالج آتا ہے جہاں پہ کچھ اسٹرینتھ ہے، بان گرلس کالج ہے ایک یہاں پر، وہ تو ویسے گورنمنٹ کا تو نہیں ہے، پرائیویٹ، جی جی پرائیویٹ ایک اس پہ، مطلب ابھی بھی کافی زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے ایجوکیشن میں، مطلب کہ پہلے تو پرائمری لیول پہ آ جائے نا، بیسک بچوں کی اچھی ایجوکیشن ہو تو پھر وہ بالکل سینٹرل سٹی میں، وہ شہر میں جا سکتے ہیں، اور یہاں پر تو یہ سہولت ہے کہ یہاں سے بسز ہر تعلیمی ادارے کی طرف جاتی ہیں، تو وہ کوئی کنوینس کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں کم از کم اس گاؤں میں بچوں کے لیے 10th جماعت تک اسکول ضرور ہونا چاہیے، جو کہ ابھی 8th جماعت تک، بالکل۔ اور میری اسکیم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نے، انہوں نے منظور بھی کی ہے، اور وہ انشاءاللہ اس پہ آئندہ جو یہ جون میں جب بجٹ ہوگا تو اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، ہم امید کرتے ہیں سب اچھا ہوگا۔ ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر، اس میں ہم کچھ سوال کرتے ہیں، اس کا آپ کو فوراً سے جواب دینا ہوتا ہے، تو سوال کی جانب چلتے ہیں۔ میں کچھ پولیٹیشین کے نام لوں گی، آپ نے بتانا ہے کہ اگر وہ سیاست دان نہ ہوتے تو کیا ہوتے۔ شہباز شریف، شہباز شریف تو بس ایکٹر ہوتے۔ زرداری، زرداری تو کہیں کوئی منشی کا جاب کر رہے ہوتے جہاں وہ پیسے ویسے گننے کا کام ہوتا۔ جہانگیر ترین، جہانگیر ترین پروفیسر ہوتے کسی کالج میں۔ فاروق ستار، فاروق ستار تو میرا خیال ہے کوئی کراچی میں کوئی بزنس کر رہے ہوتے، کوئی وہاں بزنس کمیونٹی میں ہوتے۔ اچھا، جیسے کہ آپ کی پارٹی میں کہا جاتا ہے کہ جو مطلب اپنوں کو نوازنا نہیں چاہیے، لیکن ابھی بات آئی عہدوں کی تو آپ نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو اچھے عہدے دے دیے، اور جب بات آئی شہباز شریف صاحب کی تو آپ بدل گئیں۔ نہیں بدل، شہباز شریف نے اپنے دور میں جو زیادہ شعبازی میرے کام کیے، مطلب ایکچوئل کام نہیں ہوتے تھے، مطلب وہ فیتے فیتے کاٹنے میں بہت تیزیاں دکھاتے تھے اور پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اتنے تھے پروجیکٹ شروع کیے، بس فیتے کاٹے، شعبازی، تصویریں کھینچی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا،
उनके बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल बेकार अभी पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ वो ड्रामा अगर करते तो एक्टिंग करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक हो गया। आगे चलते हैं कि मैं कुछ नाम लूंगी, उन नामों को सुनते ही फौरन आपके दिमाग में कुछ कोई भी बात आए, कोई पर्सनैलिटी आए या कुछ भी आपके जहन में आता है तो आपने फौरन से बोलना है। फियाजुल हसन चौहान, कॉमेडियन कह सकते हैं। बिलावल तो उफ, तो उनको तो कहीं ना बैठ के कोई ना गाने शाने के किसी प्रोग्राम में सिंगर होना चाहिए उनको बैठ के कहीं, वो तो बिल्कुल भी सियासत में। हमजा शरीफ जो है वो पोल्ट्री का बिजनेस ही करते तो ज्यादा बेहतर होना था। उज़्मा बुखारी उफ तौबा अल्लाह, उनके सुनते ही आपके दिमाग में आता है तौबा अल्लाह। इतना बोलना भी अच्छा नहीं होता जितना वो बोलती। अगर किसी एक्ट्रेस को शामिल करने का मौका मिले पीटीआई में तो वो कौन सी होंगी, मायरा खान, मीरा या वीना मलिक? मायरा खान कह सकते हैं क्योंकि वो कुछ पढ़ी लिखी है, और बाकी तो देखें पॉलिटिक्स में आपका तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप हर बात को समझें, आपका कोई विजन हो, आपका कोई मकसद हो, आपने किस तरह उसको पूरा करना है। ये कोई एक्टिंग वाला मामला तो नहीं है कि बताया और आ गया उसी वक्त हो गया, तो इसके लिए मेरा ख्याल मायरा खान जो है वो शायद मुनासिब हो सकती। चलें इसके साथ हमारे रैपिड फायर सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं और प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। जाने से पहले आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर सुनेंगे, कोई कलाम या जो भी आप सुनाना चाहें। अच्छा, वैसे तो मैं नातिया कलाम ज़्यादा पढ़ती हूँ। चलें हम भी वो सुनना चाहेंगे। मैं आपको एक हम सुन, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ जो है वो बड़ी अंफूर रही है, और हमारे तमाम कामों में जब हम अल्लाह के नाम को शामिल करते हैं तो उसमें यकीन बरकत और अल्लाह की रहमत शामिल होती है। बेशक। खुला ला इल्ला अल्लाह।
किसी